वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाई। बहुत से लोगों की मेरे पास कमेंट आ रही थी, भाई अपनी शॉप की वीडियो भेजना, शॉप की फ़ोटो भेजना। तो मैं उनके लिए लेकर आया हूँ शॉप की वीडियो, और ये मैंने मात्र 1000 रुपये से भी कम में इसे डेकोरेट किया है। वो कैसे किया है वो आपको बताऊँगा, ठीक है। ये जितने भी रखे हैं सब ज़्यादातर रोल पुराने भी हैं, नए भी हैं, नए जितने भी हैं ये लगे हुए हैं। बाकी मेरे पास जो पुराने रखे थे वो लकड़ी वाले, आप भी जानते हो कितना पुराना मॉडल है ये, वो है। ये मेरी ट्रांसपेरेंट लेमिनेशन है टुलिप की, सबसे बढ़िया क्वालिटी में, सबसे अच्छी। और ये गोल्ड लेमिनेशन है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये रोल लगा रखे हैं, ये जितने भी रोल हैं सब ये नए हैं, कुछ मॉडर्न आर्ट, कुछ वायरस, कुछ कहीं से, कुछ पुराने रोल भी हैं। वीडियो का मकसद बनाने का यह है कि आप मात्र 1000 रुपये से कम में इस हिसाब से ये लोकेशन कर सकते हो। डायरेक्ट कस्टमर सामने खड़ा होगा तो उसकी लोकेशन सिर्फ स्क्रीन्स पे जाएगी, कि मैंने स्क्रीन्स की लोकेशन ये बना रखी है, अलग से हाईलाइट कर रखी है, ताकि कस्टमर खड़ा हो तो कस्टमर को डायरेक्ट स्क्रीन्स ही दिखाई दे और डिज़ाइन चॉइस करे और सेलेक्ट करके बताए कि ये वाली निकालनी है। मेन लोकेशन मेरी यह है, ये मैंने खुद ही डेकोरेट की है। ये मैंने क्लिप के अंदर रखा है, ये हार्डवेयर की दुकान पे क्लिप मिल जाएगी आपको, जिसके जैसे ये है। कोई अगर स्किन्स मांगता है बर्बरी की, हमने इसे निकाला, निकालने के बाद इसे वापसी लगा दिया, ये अपनी जगह वापसी आ गई। ये सब स्किन्स हैं, इधर भी स्किन्स है। और मेरी जो स्किन से रखी है यहाँ पे रखी है, ये रखी कम से कम 250-300 से ज़्यादा स्किन से, मतलब पैकेट हैं, पैकेट के अंदर अलग अलग 5-5, किसी में 3-3, किसी में 5-5 लेमिनेशन, क्वालिटी के हिसाब से क्वांटिटी रखनी पड़ती है, ताकि कस्टमर के सामने क्वांटिटी ख़त्म ना हो, क्योंकि वो लेमिनेशन जो देखता है उसको पसंद आती है वो करवाता है उसमें से निकाल के, इसलिए क्वांटिटी का हिसाब रखना पड़ता है। अब ये लोकेशन मैंने करी है, मैंने खुद बनाई है मात्र 1000 रुपये से कम में। ये शीशे आप देख रहे हो, ये शीशे मेरे को 100 रुपये के 3 पड़े हैं, ठीक है। और ये ब्लैक वाले हैं, ये जितने भी ब्लैक हैं, ऊपर के भी नीचे के भी, ये भी 100 रुपये के पड़े हैं मेरे को। ये शीशे वो होते हैं जो वेस्ट जो होता है ना शीशे की दुकान पे, जो वेस्ट पड़े रहते हैं खराब से टुकड़े पे, इनका मैं लंबाई, लेंथ तो बहुत कम है, चौड़ाई इसकी कम है और लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा है। हमें तो रोल के हिसाब से चाहिए था, हमने इस हिसाब से लिया। और ये लेमिनेशन इसमें ज़्यादा नहीं है, आप कभी सोच रहे हो ये 1 मीटर लेमिनेशन है, सारा खेल सिर्फ रोल का है। ये रोल कुछ वायरस के है, ये वाला रोल, ये 10 रुपये का एक रोल लिया था वायरस ने, कुछ मॉडर्न आर्ट का, कुछ ट्रिंग का, मतलब जितने भी लेमिनेशन वाले हैं थोड़े थोड़े, ज़्यादातर मैंने वायरस के लिए, क्योंकि वायरस की क्वालिटी अच्छी थी रोल की, खाली रोल की। और जितनी भी लेमिनेशन आप देख रहे हो ये पुरानी थी मेरे पास रखी हुई, शायद 2-2.5 साल पहले की, कुछ नई भी लाया हूँ। लेकिन ये लेमिनेशन जो है ये दिख रहा वुडन वाली, कितना पुराना मॉडल है, ये रोल के अंदर आपको लग रही है इतनी सही, इसलिए कस्टमर को दिखाने के लिए ही हमने ऐसे लोकेशन बनाई है, ताकि कस्टमर देखे और अपना बताए ऑर्डर कि भाई ये वाली लेमिनेशन काट दो, ये वाली कर दो। तो इस हिसाब से हमने लोकेशन रखी, ये रही आप देख रहे हो, उसमें कटी कटाई कटी भी है कितनी। ये आईफोन की रिंग लेकर आया हूँ, पूरी आईफोन की रिंग की है। ये मैट लेमिनेशन है और ये ब्लैक ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ, ब्लैक जो मैट लेमिनेशन होती है वो है रोल में। ये मशीन, ये हमारी LCD की लोकेशन,
ये जो रोल है ये मैंने वायरस से खरीदे थे कम से कम 50, ये 10 रुपए का एक दिया था वायरस ने, 50 रोल लेगा। जितनी मेरे पास 60-70 लेमिनेशन पहले की रखी थी रोल में लिपटी हुई, तो उस रोल को लिपटा के फिर मैंने इसे ऐसे लोकेशन दी ताकि लोगों को हाईलाइट हो, दिखाए दे। अब जितनी भी लेमिनेशन रखी है कस्टम चॉइस करता है और कटवा देता है। पुरानी भी मेरी काम आ रही है यूज में और नई जो लगा वो भी काम आ रही है, क्योंकि अब दोनों लोकेशन से ही सारा मेन फोकस होता है कस्टमर का। अगर लोकेशन से उसे दिखाई दे रही है कि भाई ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये निकालो, तो उसे दिखा के वापसी उस जगह रख दो, बस उसमें पता नहीं लगता। ये 10 मीटर का रोल है गोल्डन का, और वो 100 मीटर का रोल था जिसमें से शायद है 50-60 मीटर है लेमिनेशन ट्रांसपेरेंट की जो है, क्योंकि रोल के रोल अगर खरीदो आप सस्ती पड़ती है इस हिसाब से। सब लोकेशन मैंने दे रखी है लेमिनेशन की, मात्र ज्यादा से ज्यादा आपके 1000 रुपए भी नहीं लगेंगे इस हिसाब से लोकेशन देने में। बस मैंने आपको तरीका बताया है, ये शीशे वाली दुकान में जो खराब जो शीशे पड़े होते हैं उसमें चॉइस कर लिया, उसकी चौड़ाई देखी है और लंबाई तो आपको उसमें दिख जाएगी कितनी चाहिए कितनी चाहिए, ये देख लो आप पता लग जाएगा। वो कटवा के वो लगाई अपनी क्लिप आएंगे 20 रुपए का एक क्लिप, तो क्लिप भी इसके हिसाब से जितने शीशे होंगे आपके जितने शीशे के हिसाब से क्लिप आएंगे आपके। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो आपको कमेंट करके हमें बताएं कि भैया क्या, जो भी आपकी इंक्वायरी हो वो बताएं मेरे को, शायद मैं आपकी कमेंट में जवाब दूं, या आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो दिखता है वही बिकता है, एक बात ध्यान रखना। लोकेशन सबसे मेन फोकस होती है कस्टमर के लिए, लोकेशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो कस्टमर आपका खुद ही खिंचा हुआ आएगा। इससे मेरे तो बहुत प्रॉफिट हुआ है, ये नहीं है प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट क्यों हुआ है क्योंकि कस्टमर को डायरेक्ट दिखाई देता है डायरेक्ट ही, उन्हें चॉइस करा ये वाला डिज़ाइन निकालो भाई, ये निकाल के दिखाया उसने कहा ये वाला निकाल के दिखा, पसंद से यहीं से आया। अगर रोल में अगर वैसे आप गड्डी बना के दिखाओगे वैसे तो उसमें इतना ध्यान नहीं देगा जितना उसे सामने दिखाई देगा, उसमें कुछ ट्रेंड वाली भी है कुछ वो भी है जो चलती है ज़्यादातर, उस हिसाब से मैंने लोकेशन बनाई है। तो आप भी ऐसी लोकेशन बनाइए ताकि कस्टमर आपको आप डायरेक्ट दिखा सके स्किन्स के, लो भाई ये फोकस करो इस पे देखो ये है। मेरा मेन मोटिव यही था आपको बताने का कि कस्टमर के लिए एक अलग जगह बनाइए स्किन्स के लिए, ताकि जो ध्यान दे कस्टमर उसी पे जाए फोकस। आप वीडियो देख रहे हो आपको स्किन्स पे जा रहा होगा फोकस, इसलिए यही कस्टमर का फोकस होता है।